नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। भार्गव नचिकेता अभिनंदन की वापसी पर पूर्व IAF पायलटों को याद आई अपनी कहानी। चंडीगढ़ हैदराबाद पायलट का दिल हमेशा कॉकपिट में होता है। उनका मातर अभिनंदन वापस आएंगे और जल्द ही कॉकपिट को लौटेंगे, यह कहना है कुटुंबपति नचिकेता का, जो 1999 के करगिल युद्ध के दौरान 8 दिन तक पाकिस्तानी फौज की कैद में रहे थे। नचिकेता से पहले 1971 के युद्ध में एयर कमांडर JL भार्गव और उनसे भी पहले एयर मार्शल किसी रियप्पा 1965 के युद्ध में पाक सेना के हाथ लग चुके थे। भार्गव ने कहा कि उनसे कलमार पढ़ने को कहा गया था और जब वह नहीं पढ़ पाए तो उन्हें जेल भेज दिया गया। उनका मातर अभिनंदन शुक्रवार को देश वापस लौटने वाले हैं और तीनों शूरवीर इस मौके पर पाकिस्तान की कैद में गुजारे गए अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं। लाइव अभिनंदन के लिए वाघा बॉर्डर पर जुटे लोग तो मार ही डालते जवान। साल 2017 में भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके नचिकेता अब एक कमर्शियल पायलट हैं। कारगिल युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे नचिकेता -27 में सवार थे। वह क्रैश होकर पाक अधिकृत कश्मीर में जा गिरे थे। वह पाकिस्तानी फौज पर हवा से फायर कर रहे थे, इसलिए जवानों ने जैसे ही उन्हें पकड़ा उन्हें पीटना शुरू कर दिया। नचिकेता का कहना है कि उन्हें मार देने की कोशिश भी की गई, उनकी जान बचाए एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिसर ने। उन्होंने जवानों को समझाया और स्थिति को संभाला। नचिकेता का कहना है कि उन्हें काफी प्रताड़ित किया गया, लेकिन सेना में उनकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत हुई थी कि उन्होंने कुछ नहीं बोला। यह भी पढ़ें अभिनंदन की रिहाई, इसलिए पाक ने टेके घुटने। यह भी पढ़ें OIC में सुषमा, जाने पाक को क्यों तगड़ा झटका। बेस्ट पायलट आपके सामने बैठा है। यह भी पढ़ें OIC में सुषमा, जाने पाक को क्यों तगड़ा झटका। बेस्ट पायलट आपके सामने बैठा है। एयर कमांडर JL भार्गव कुछ दिन या महीने नहीं बल्कि पूरे एक साल पाकिस्तान की कैद में रहे थे। 1971 के युद्ध में पकड़े गए फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव का कहना है कि अगर पाकिस्तानी स्थानीय भीड़ ने विंग कमांडर अभिनंदन का फोटो शेयर नहीं किया होता तो यह साबित करना नामुमकिन हो जाता कि वह जिंदा पाकिस्तान में गिरे थे। वह याद करते हैं, वे सोने नहीं देते, जानकारी मांगते रहते हैं, हर सवाल पर ना कहना बेहद मुश्किल होता है। मुझे याद है जब वे मुझसे मेरी स्क्वाड्रन के पायलट्स के बारे में पूछते थे तो मैं अपने भाई बहनों के नाम बताता था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी स्क्वाड्रन का बेस्ट पायलट कौन है तो मैंने कहा कि वह आपके सामने बैठा है। यह भी पढ़ें अभिनंदन नचिकेता की करगिल की यादें हुई ताजा। 12 घंटे तक ऐसे छिपाई पहचान पायलट्स को एक सर्वाइवर किट, एक पिस्तौल और कुछ पाकिस्तानी रुपए दिए जाते हैं। भार्गव 5 दिसंबर 1971 को HF-24-9 में सवार थे, जिसे पाक ने गिरा दिया था। उन्होंने फौरन बाहर छलांग लगा दी थी। नीचे गिरने के बाद उन्होंने अपना सामान लिया, जी सूट झाड़ियों में छिपाया और अपनी घड़ी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम पर सेट की। वह 12 घंटे तक अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहे। स्थानीय लोगों से उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तानी एयर फोर्स के जवान हैं और उनका नाम मंसूर अली है। किसी को शक होने पर वह पाकिस्तानी रुपए खा देते थे। यह भी पढ़ें मसूद इतना बीमार कि उठ भी नहीं सकता पाक। यह भी पढ़ें वीडियो है आसमान में ऐसे लड़ते लड़ाकू विमान, जब कहा गया कलमा पढ़ो। हालांकि एक स्कूल हेडमास्टर को उन पर शक हुआ। भार्गव बताते हैं उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां से हूं। मैंने रावलपिंडी कहा तो उन्होंने पूछा कि रावलपिंडी में कहां से। मैंने कहा मॉल रोड से तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भारतीय गांव में खड़ा हूं। मैंने उनसे मुझे वापस पाकिस्तान भेजने की गुजारिश की तो उन्होंने मान लिया कि मैं पाकिस्तानी हूं। हालांकि एक पाकिस्तानी रेंजर ने उनसे कलमार पढ़ने को कह दिया। जब वह नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सेना के हवाले कर दिया गया। यह भी पढ़ें 1971 जंग, जब पाक में घुसकर फहराया था तिरंगा। यह भी पढ़ें पाकिस्तान की हिरासत से आज छूटेंगे अभिनंदन, सीधे पाक सेना के बीच गिरे थे।